हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए देसी स्टाइल में चना दाल किस तरीके से बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। तो पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने चने की दाल को मतलब कुकर में डाल दिया, और कुकर में डालना मतलब 1.5 कप, मैंने जो मेजरमेंट वाला कप होता है उसी कप से मैंने 1.5 कप दाल ली थी। तो 1.5 कप दाल को पकाने के लिए हमें कितने पानी उपयोग करने पड़ते हैं, तो इसी कप से आपको 6 कप पानी अगर आप डालेंगे तो 1.5 कप दाल बिल्कुल भी एकदम होटल वाली दाल बनेगी। और ये नापने का मैंने सही तरीका आपके साथ शेयर किया। तो मैंने अभी पकने के लिए मैं 2.5 कप पानी इसमें, इतना देखिए आप देख ही रहे हैं, 2.5 कप पानी मैंने ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से नमक ऐड कर दिए। नमक ऐड करने के बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दिया, क्योंकि दाल में तो हल्दी ज़रूरी है, तो ये थोड़े से ऐड कर दिए। तो इसके बाद मैंने थोड़ी सी, 3 मैंने लौंग ली थी और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो ये इसमें ऐड करने के बाद हम कुकर सीटी पे लगा देंगे। तो 3 सीटी देने के बाद हमारी चना दाल बिल्कुल भी अच्छे से गल गई। तो इसी कप से मैंने 2-2.5 कप मैंने पानी पहले ऐड किया था और 3 कप पानी मैंने बाद में ऐड किया, तब जाके ये दाल बिल्कुल भी इस तरीके से बनी है, ताकि ना ही पतली हो और ना ही ज़्यादा सूखी टाइप हो। तो उसके बाद मैं फ्राई के लिए पैन ली। पैन में थोड़े से मैं जीरा ऐड करूँगी। जीरा जब हमारा अच्छे से तड़क जाए और ब्राउन टाइप हो जाए, तो उसके बाद हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च ऐड करने के बाद मिर्च भी हमें हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद लहसुन की कलियाँ सारी इसमें ऐड कर देनी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस तरीके से मैं आज फ्राई कर रही हूँ इसी तरीके से होटल वाले फ्राई करते हैं। बहुत सारी फ्राइयाँ आपने देखी होंगी, अगर मेरी तरीके से एक बार आप फ्राई करके दाल खा लीजिए, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार सच में पहले क्यों नहीं बताया। तो देखिए, ये मैं इस तरीके से बनाई थी। मैं उसके बाद जब थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं मिर्च और लहसुन की कलियाँ और जीरे वगैरह अच्छे से तड़क जाते हैं, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज जब हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाए, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अच्छे से चलाते हुए प्याज जब हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई, तो उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जब टमाटर भी हमारे अच्छे से गलने कि प्रोसेस पे आएंगे, तो हम इसमें मसाले सारे ऐड करेंगे। तो देखिए, ये टमाटर भी अच्छे से गल गए। तो थोड़े से हम गरम मसाले, चने दाल में गरम मसाला बिल्कुल भी ज़रूरी है, और ये टेस्टी इसलिए बनती है कि ये इसमें चने दाल ऐड हो जा, चने दाल में मसाले वगैरह सब चीज़ ऐड करके पहले ही बनाई जाती है। तो लेकिन मैं फ्राई करके आपको बताऊँगी किस तरीके से फ्राई किया जाता है। तो देखिए, ये चने दाल हमारी फ्राई वाला इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही यमी बनती है, बिल्कुल होटल और ढाबे की स्टाइल में। तो देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से हमने फ्राई कर लिए। उसके बाद हमने थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च, वो होती है ना जो तीखापन ना हो, थोड़ा सा कलर आ जाए, तो देखिए हमने बाद में धनिया पत्ती ऐड की इसमें। धनिया पत्ती ऐड करने का मतलब यही है कि दाल की खुशबू दोगुना कर देती है। धनिया पत्ती ऐसी चीज़ है कि कोई भी चीज़ हो उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो चीज़ का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो धनिया पत्ती आप ज़रूर यूज करें। तो देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें 1 कलछुल दाल जो हमने पकाई हुई है, वो कलछुल 1 कलछुल दाल हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये 1 कलछुल दाल ऐड करने के बाद इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा और बहुत ही यमी बनता है। तो जब ये पूरा अच्छी तरीके से इस तरह से मेल्ट हो जाए, मेल्ट हो जाने के बाद हम इसे कुकर में जो दाल है उसमें हम इसे ऐड करेंगे। तो देखिए, इसे हम इसी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ी सी दाल लेके हम इसे पैन को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से तड़के देने के बाद जो है दाल बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है, आप यकीन नहीं मानेंगे। एक बार इस दाल को बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए, मैं एक बाउल में आपको निकाल के दिखाऊंगी अभी अभी। तो देखिए, कुकर में ही ये इतनी सुंदर लग रही है, तो ये बाउल में कितनी यमी लगेगी। तो मैंने मेरी रेसिपी बहुत ही देसी और मतलब देसी स्टाइल में रहती है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर अपने फैमिली और परिवार के साथ शेयर करें, और एक बार बनाएं और खाएं, फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसी बनी थी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तब तक के लिए राधे राधे, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। टेक केयर।